सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करेंगे साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एंड तेलंगाना लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे आपके जूनियर जो आपके असिस्टेंट है इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे आपके वैकेंसी जारी की गई है, और यहाँ पे आपके जूनियर लाइनमैन के लिए आपके वैकेंसी इसमें जारी की गई। तो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 30 फरवरी को इनका एग्ज़ाम होगा दोनों पोस्ट के लिए, और इसमें जो स्टार्टिंग डेट है 23 फरवरी से आप इसके फॉर्म आवेदन कर पाएंगे, जो आपके जूनियर इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल वाली के 23 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक अप्लाई कर पाएंगे। एंड डेट यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी। और अगर आप जूनियर लाइनमैन की बात करें तो इसके 8 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, तो इसका तो अभी टाइम है। और जो आपको इसका एग्ज़ाम के लिए समय मिल रहा है, यहाँ पे अभी फरवरी चल रहा है, मार्च है, अप्रैल है, तो लगभग आपको 2 से 2.5 महीने का इसमें टाइम दिया जा रहा है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फुल नोटिफिकेशन जो यहाँ पे आपके जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपके जूनियर लाइनमैन के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो साउथ यहाँ पे आपके जो TSSPDCL विद हेड क्वार्टर हैदराबाद कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, यानी सारी चीज़ें इसमें दी गई है, और यहाँ पे ये पूरी इसकी ब्रांचेस दी गई है कहाँ कहाँ इसका है। सबसे पहले यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ इसकी बात करें तो 8 मार्च से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, 8 मार्च से लेकर 28 मार्च तक, और इसका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे देख सकते हो, और 24 तारीख को यहाँ पे 24 मार्च को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 24 यहाँ पे अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और 30 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम इसमें कंडक्ट करा लिया जाएगा। LR की बात कर लिमिटेड जो आपके रिजर्वेशन जो पोस्ट है उसमें यहाँ पे आपके देख सकते हो 553 पोस्ट है, और जो जनरल रिजर्वेशन है उसमें आपके 1000 पोस्ट हैं, टोटल आपके 1500 है, यहाँ पे 53 पोस्ट निकाली गई है, और इसमें 18 से लेकर 35 साल एज लिमिट रखी गई, तो एज लिमिट भी काफ़ी अच्छी इसमें आपके रखी गई। पे स्केल की बात करें 24,400 यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे स्केल देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे स्केल भी आपका इसमें अच्छा दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल वैकेंसी जूनियर पोस्ट वाइज सर्कल वाइज कम्युनिटी वाइज वो आपके एनेक्सरा वन में दिए गए, जिसकी बात करेंगे। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो इसमें मस्ट आपको 10th पास चाहिए पहली चीज़, तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन याद रखें विद ITI क्वालिफिकेशन इन द इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आपके पास ITI हो, यानी इलेक्ट्रिशियन में ITI है आपके पास या वायरमैन में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर ये नहीं है तो 10th प्लस आपके 2 साल का वोकेंशियल इलेक्ट्रिकल कोर्स होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल का आपके पास वोकेंशियल कोर्स है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद नोट करके लिखा है इफ़ देयर इज एनी डेविएशन फ्रॉम द अबाव द क्वालिफिकेशन फॉर द अबाव द पोस्ट कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस द इक्विटी सर्टिफिकेट, और यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें दी गई, तो यहाँ पे देख सकते हो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल का, यहाँ पे आप देख सकते हो SST वालों को, और इसमें आपको आगे जो एग्जाम फीस इसमें जो कैंडिडेट की फीस लगे ईच कैंडिडेट मस्ट बी अप्लाई 200 रुपीज़ फॉर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी वो आपके 200 रुपीज़ रहेगी, और यहाँ पे आगे देखने को मिलेगा SC ST वालों को यहाँ पे आपकी कोई भी फीस इसमें नहीं ली जाएगी, कि अनरिजर्व और OBC वालों के लिए यहाँ पे आपके 200 रुपीज़ फ़ीस रहने वाली है, ठीक है। आगे इसमें देखने को मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे और डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रहेंगे, ठीक है। तो इसमें एनेक्जरा वन में आपको ब्रेकअप ऑफ सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, एनेक्जरा वन में ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज कितनी वैकेंसीज है अलग अलग सर्कल में वो दिए गए। उसके बाद में स्कीम एंड एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला है उसका यहाँ पे पूरा डाटा दिया गया। 3 में यहाँ पे आपके स्कूल सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस इफ़ नॉट स्टडी इन द स्कूल ऑफ रेगुलर मोड, तो उसका भी यहाँ पे सारा इसमें डाटा दिए गए। आगे इसमें बात करें तो और भी चीज़ें इसमें दी गई जो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, सबमिशन कैसे करना है, तो इसके फॉर्म जब स्टार्ट होंगे तो मैं आपको भर के बता दूंगा, ये कैसे फ़ोटो अपलोड करना है, सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये आप अच्छे से इसमें देख सकते हो। तो अलग अलग पैरा नंबर इसमें दिए गए हैं जिनको आप अच्छे से रीड कर सकते हो आपके, और ये इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एलिवेशन ऑफ रिटन टेस्ट, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं जो आपके जूनियर लाइनमैन है, अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ अलग अलग यहाँ पे जो सर्कल है यहाँ पे सर्कल दिए गए हैं, और OC EWC BC BC अलग अलग यहाँ पे पूरा इसका डाटा दिए गए कौन सी जगह पे कितनी वैकेंसी चाहिए, तो इनको आप अपनी सर्कल वाइज इसमें देख सकते हो कि आपको कहाँ पे राजेंद्र नगर में कितना है, यहाँ पे कितना है, तो अलग अलग देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो ITI देख सकते हो इलेक्ट्रिकल ट्रेड एंड जनरल नॉलेज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 80 नंबर तो आपके जो रहेंगे वो ITI ट्रेड से यानी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो 65 क्वेश्चन रहेंगे वो
इसमें देखने को मिलेगा कि 65 एंड यहाँ पे देख सकते हो जनरल नॉलेज के रहेंगे वो आपके देखने को मिलेंगे। 65 एंड जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। टोटल 120 मिनट का इसमें टाइम मिलेगा और 80 मार्क्स आपके इसमें रहेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पूरा इसका दिया गया 65 जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रहने वाले हैं। मतलब टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 80 नंबर के रहेंगे, जिसमें 65 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रहेंगे। मात्र 15 क्वेश्चन आपके इससे पूछे जाएंगे नॉन टेक्स से। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड यानी ट्रेड थ्योरी का इसमें पूरा इसमें पार्ट दिया गया। ये आपके पूरा इसमें पेपर वन जो वो होगा आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, तो इसमें पूरा ये दिया गया है कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैटरीज है, मैग्नेटिज्म आ गया, उसके बाद में फंडामेंटल SC3। तो पूरा ये सिलेबस दिया गया, तो इसको अच्छे से आप रीड कर सकते हो। पेपर टू की बात कर ले, जो पार्ट भी रहेगा मतलब पेपर एक ही रहेगा, तो इसमें आपके न्यूमेरिकल एक्टिविटी, करंट अफेयर, कस्टमर रिलेशन, जनरल एवरीबॉडी, एनवायरमेंट और हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी GK का पूरा पार्ट रहने वाला है 15 नंबर का। तो ये भी आपको याद रखना है, मतलब GK आएगा इसमें आपके, ठीक है। उसके आगे यहाँ पे आपको परफॉर्म ऑफ स्कूल स्टडी, कहाँ से आपने स्कूल स्टडी की है, तो यहाँ पे आपको नाम आ जाएगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, DOB आ जाएगी, फादर्स नेम आ जाएगा, और यहाँ पे क्लास नेम ऑफ स्कूलिंग मॉडल, और यहाँ पे प्रेजिडेंट प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर, ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी एंड गिविंग द मंथ, कितना आपने टाइम दिया है, तो ये पूरा इसमें भरा जाएगा आपसे। ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट है जिनको यहाँ पे आपको निकला लेना है। ये आपका रेजिडेंस कहाँ आप रहते हो, तो वहाँ का ये पूरा दिया गया, मतलब ऑल इंडिया के इसमें आप भर सकते हो, यहाँ पे पूरा इसका दिया गया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें दी गई है, तो ये आपको जब आप फॉर्म भरोगे या DV के टाइम ही आपसे मांगा जाएगा, तो ये पूरा इसका फॉर्म आप देख सकते हो। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात कर ले, तो इसमें भी आपके ज़्यादा पोस्ट नहीं है। इसमें 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी, यहाँ पे देख सकते हो 23 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये वैकेंसीज की बात करें, तो इसमें मात्र 48 वैकेंसीज है अवेलेबल पूरे इसका दिए गए। मस्ट इन बैचलर ऑफ डिग्री यानी इलेक्ट्रिकल में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी इसमें और कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया। इलेक्ट्रिकल में डिग्री है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बाकी नहीं है। 18 से लेकर 44 साल एज लिमिट रखी गई है, और इसमें आपके वही बाकी चीज़ें कैसे अप्लाई करना है, जैसा कि जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे दिए गए। तो ये पूरा आपके NH1 में 5% जो वैकेंसीज है वो रिजर्व है, 95% वैकेंसीज यहाँ पे अलग अलग इसमें दी गई। तो ये आप पूरा ब्यौरा देख सकते हो इसका, और यहाँ पे जो पेपर रहेगा इसका भी वही सेक्शन 80+80 नंबर का रहने वाला है। पहला यहाँ पे जो पार्ट है वो आपके 80 मार्क्स का रहेगा। तो इनमें इंजीनियरिंग, मैथमेटिक, लाइनर, एलजेब्रा, ये पूरा इसका सिलेबस दिया गया, तो इस सिलेबस को आप अच्छे से देख सकते हो। पार्ट जो दो रहने वाला है वो ट्रांसफर थ्योरी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये पूरा इलेक्ट्रिक जो डिग्री है उसका यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे पूरा ये दिया गया है, तो 80 नंबर पूरा इसका रहने वाला है, और 20 नंबर आपके रहेगा GK का और न्यूमेरिकल एबिलिटी का। तो यहाँ पे 100 नंबर का होगा इलेक्ट्रिकल में, तो पर उसमें जो जूनियर असिस्टेंट जूनियर लाइनमैन है उसमें 80 नंबर का आपका पेपर लिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा फर्क है, बाकी तो कुछ इसमें और फर्क इसमें नहीं दिया गया। तो यहाँ पे वही परफॉर्मेंस दिए गए जो पिछले वाले नोटिस में दिया गया। तो यही है इसमें, जो इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इन सभी की PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। सभी की PDF आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप से वैकेंसी की पाठशाला से आप प्राप्त कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सभी एग्जाम की डेली अपडेट नोटिस सभी आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो इन सभी की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।